आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पांच राज्यों में चुनावों का ऐलान, यूपी में होगा 7 चरणों में मतदान। आचार संहिता के बाद लगेगी रैलियों पर लगाम, क्या है रणनीति, कैसा है पार्टियों का इंतजाम। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चुनाव पे। कहीं गठबंधन, कहीं विलय, तो कहीं जोड़ तोड़, सभी राजनीतिक दलों का पूरा हो गया। उधर कल यानी 8 जनवरी को चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। आगे की रणनीति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। राजनीतिक पार्टियां आगे की रणनीतियां कैसे तैयार करेंगी, इन्हीं सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, नगरपालिका एक्टिव मोड में नजर आई। जगह जगह से पोस्टर हटाए गए, बैनर हटाए गए, चुनाव प्रचार थम गए और अब डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार कराए जाएंगे। अब आज बीजेपी का पोस्टर भी जारी हो गया है और इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता जावेद खान जी मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी से प्रवक्ता राम निवास यादव जी भी मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव की तारीख भी आ गई है, तो मैं आपके पास आती हूँ जावेद खान जी। आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारियां पूरी है या फिर वक्त कम पड़ गया? कोई वक्त कम नहीं पड़ा है, समय पूरा है, यही समय होता है। चुनाव की तैयारियां पहले से समाजवादी पार्टी की चल रही थी, अखिलेश जी के नेतृत्व में विजय रथ यात्रा भी चल रही थी और उत्तर प्रदेश की जनता का सत्ता के विरुद्ध आरोप पत्र भी तैयार। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन सरोकारों को छोड़कर, जनता को छोड़कर, आपदा के काल में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने का और जनता को भगवान के सहारे छोड़ देने का काम किया था, और किस तरीके से भर्तियां, बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां, उनका उत्पीड़न, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म, आज भी जिस तरीके से मथुरा बलिया में घटनाएं हुई हैं, वो सब उत्तर प्रदेश की सरकार के कृत्यों को बयान कर रही हैं। समाजवादी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बूथ स्तर तक है और समाजवादी पार्टी के हम सब साथी कार्यकर्ता जनता के बीच में, जनता के मुद्दों के साथ उनसे चर्चा संवाद कर रहे हैं। समन्वय है जनता के साथ पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का जी। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 10 मार्च को सत्ता के उस जगह पर होगी कि जब जनता की आशाएं आकांक्षाएं पूरी होंगी और जनता ने जो कुछ भी सोच रखा है समाजवादी पार्टी की सरकार शपथ लेते ही जनता की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर दौड़ेगा, महंगाई बेरोजगारी से लड़ने का काम करेगा, जनता को राहत देने का काम। जी राम निवास जी, जिस तरह से बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी की तैयारियां काफी देखने को मिली लगातार, वो चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह हो, सभी यूपी की धरती पर उतरे और जमकर ताबड़तोड़ रैलियां करी, जनता को संबोधित किया। और अगर बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो उससे भी जुड़े रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती है बीजेपी। तो क्या कहेंगे, डिजिटल माध्यम से अब जुड़ेंगे आप जनता के साथ तो कितना सही रहेगा और किस तरह की, मतलब कि मन में जो उत्सुकता होती है नए तरीके से रैली करने, तो क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी थी पहले से ही और लगभग हर विधानसभा पे हमारा एक हो चुका है और विधानसभा पे, मंडल स्तर पे और सेक्टर स्तर पे, बूथ स्तर पे जी। तो हमारी पूरी तैयारी है। मैं तो समझता हूँ कि जितना भी समय निर्वाचन आयोग ने दिया है ये भी ज्यादा है। अगर सारे चुनाव 15 दिन में ही कराते तो हमारी पार्टी पूरी तैयारी थी। अभी जिस तरह जावेद जी कह रहे थे तो इनके नेता तब निकलना शुरू हुए थे झंडे उंडे लेके, तब तक निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी, तो इनकी कोई तैयारी ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है, योगी जी के काम है। इसलिए हम सब लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार इस बार 350 पार करके आएगी और 10 मार्च को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में
नई सरकार गठन हो जाएगी। जी जावेद जी, ऐसा कहा जाता है कि सपा पार्टी अभी थोड़ा दूरी बना के रखती है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, अगर देखा जाए तो जितनी बीजेपी एक्टिव दिखती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतनी सपा अभी दिखती नहीं है, एक रिपोर्ट भी ऐसी आई थी, क्या कहेंगे, क्या आसान रहेगा? शिखा जी, आप जानती हैं कि टीआरपी का क्या खेल चलता है, एक एक व्यक्ति जो है 20-20 अकाउंट संचालित करेगा, 50 पैसे में ट्वीट करेगा, 20 पैसे में लाइक करेगा, तो समाजवादी पार्टी में विश्वास नहीं करती। हमारा जनता का, कार्यकर्ताओं का, साथियों का जो पूरा समूह है वो जनता के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें जो भी कुछ है वो रियल है, रियलिटी का गेम है। यहाँ पर झोले से जादू हाथ डाल के जादू दिखाने का, आंख बंद करके कला दिखाने का कोई काम नहीं है। यहाँ पर जनता स्वयं आंखों से देखने का काम कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश में 2017 जिस तरीके का वातावरण की देश को 2014 में आजादी मिली, हमें तो समझ में नहीं आता, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने पुरोधा जो देश में के बड़े सम्मानित नेता थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी क्या गुलाम भारत का प्रधानमंत्री समझती है। अभी मैं एक चैनल पे था तो वहां पे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 32 सालों से उत्तर प्रदेश में सूखा था, हमने उसको जो है दूर किया पिछले 2017 से आके, तो क्या ये कल्याण सिंह जी को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते, राजनाथ सिंह जी को नहीं मानते, राम प्रकाश गुप्ता जी को नहीं मानते? तो ये तो स्वयं में अभी भ्रमित लोग हैं और दूसरे को भ्रमित करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है कि कोरोना की मार में किस तरीके से दूसरी लहर में एक एक चिता पर 300 जल गए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा के विधायक, सांसद रोते गिलगिलाते चीखते चिल्लाते रहे कि एक बेड की व्यवस्था कर दीजिए, एक वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दीजिए। मैं नाम भी गुना दूं, हमारे भाई रामनिवास जी बैठे हुए हैं सही आदमी गलत पार्टी में, कि किस तरीके से पंडित रत्नाकर मिश्रा हो विधायक है मिर्जापुर से, रामगोपाल लोधी जी फिरोजाबाद से विधायक हैं, श्याम प्रकाश जी हरदोई से विधायक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी को सच बोलने की सजा केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के रूप में मिली, और ब्रजेश पाठक जी जो सरकार में आज भी मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से लिखा कि सीएमओ तक हमारा फोन नहीं उठा रहा है। ऐसी सरकार में, वो अपनी ही सरकार में एक देश के जो है बड़े साहित्यकार जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से 500 मीटर की दूरी पर उनका आवास था, उनको वो एक एम्बुलेंस तक नहीं उपलब्ध करा पाए। तो ये जो नाकामियां और विफलताएं, जो सरकारी नौकरियों में चयनित हो गए शिखा जी अभ्यर्थी, उनको ये सरकार नियुक्ति नहीं दे पाई, वो नियुक्ति के लिए लखनऊ की सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार के मंत्री उनसे मिलने के बजाय आदेश करके उन पे लाठियां चला रहे हैं। भाजपा जो जनता की पार्टी बनने का दावा करती है, जो सच में बाहुबली जुमला पार्टी है, उसके कार्यालय के गेट उन लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। राम निवास जी हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि सहायक शिक्षक भर्ती के नियुक्ति में किस तरीके से पिछड़े वर्ग के लगभग लगभग 16,000 नौजवानों का, बेरोजगारों का अधिकार हड़पने का काम योगी जी की सरकार ने किया, और अधिकार मांगने पर उन पर लाठियां चली, झंडे चले, उनको अस्थाई जेल इको गार्डन में रखने का काम किया गया। तो ये सब उत्तर प्रदेश ने देखा है, भोगा है, हाथरस भी भोगा है, उन्नाव भी भोगा, शाहजहांपुर बलिया भी भोगा है, कि जहां पर हत्यारे को भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह किस तरीके से खुलेआम टीवी चैनलों पर आकर कहते हैं कि वो हत्यारा नहीं है, और जिस तरीके से निरकुंशता के साथ शासन को चलाने का काम किया गया है, समाज के हर तबके को दबाने का काम किया गया है, इस सरकार में जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, इस सरकार का आईपीएस इंद्रकांत शुक्ला नामक व्यापारी की हत्या कर देता है, कानपुर का व्यापारी मुख्यमंत्री जी के जनपद का विकास देखने जाता है उसकी हत्या कर देती है। तो इस पे क्या जवाब देंगे? और जो शिक्षक भर्ती की बात है, तो क्या इसका असर आने वाले चुनावों पे पड़ सकता है? अब जावेद जी मेरे बड़े भाई हैं, जो है इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। अरे बड़े भाई आप हैं, मैं तो आपसे छोटा हूँ। रामनिवास जी गुंडों की पार्टी में काम कर रहे हैं, तो मुझे मुझे लगता है कि आपके लिए पार्टी सूट नहीं करती है। और रही बात विकास कार्यों की, आपकी इस सरकार, अखिलेश जी की सरकार के शिक्षक मामला था, जिस प्रकार से
बीएड के छात्रों को नकार करके जो है शिक्षा मित्रों को नौकरी देने का काम किया था वोट बैंक के चक्कर में, सुप्रीम कोर्ट ने सबको रिजेक्ट कर दिया। 1,37,000 भर्तियां थी हमारी सरकार योगी जी ने, एक बार 68,500, एक बार 69,000, अभी 17,000 सारी भर्तियां, अब तक 4.5 लाख भर्तियां हमारी सरकार कर चुकी है। और जावेद जी क्योंकि समाजवादी चश्मे से देखते तो इनको दिखता नहीं है, और अभी आगे भी जो बची वो भर्तियां हमारी ही सरकार करेगी, क्योंकि इनकी सरकार तो आएगी नहीं, क्योंकि जनता ने इनको 2014 से नकारना शुरू किया, 2014 में नकारा, 2017 में नकारा, 2019 में नकारा, 2022 में उससे बड़ी ताकत इनको नकारने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने कोई भी सकारात्मक इनकी पार्टी ने काम नहीं किया। पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई और जिस प्रकार योगी जी निकल कर अस्पतालों का दौरा करके जगह जगह सब व्यवस्था करके उत्तर प्रदेश को बचाने का काम किया, और इनके नेता सिर्फ ट्विटर के अंदर रहे, उससे बाहर नहीं निकले, तो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश किनके हाथों में सुरक्षित है जी। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के पक्ष में है, योगी जी के प्रति उनकी श्रद्धा है, उसको देखते हुए हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो बचा पचा टुकड़ा है वो भी साफ हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में इस बार 350 बार हमारी पार्टी करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। रामनिवास जी, जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही एक पोस्टर देखने को मिला है बीजेपी की तरफ से। आचरण जी, पिछली 5 साल के इनके आचरण उत्तर प्रदेश जनता अच्छी तरह जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी अगर किसी गाय से नाराज होके किसी कसाई के खूंटे में नहीं बांधेगी, गाय है नाराज होगी, 2 दिन चारा पानी देके उससे दूध निकाला जाएगा, लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश जनता है समझदार है, अपने आप को इन लोगों के हवाले नहीं करेगी। श्रद्धेय योगी जी के इन्हें तो तुम्हें सरकार बनेगी और 10 मार्च को पुनः योगी जी की सरकार बनेगी, हम सब आपके बीच होंगे। रामनिवास जी, जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ वैसे ही बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर आया है जिसमें योगी और मोदी दोनों दिख रहे हैं, तो इसको देख के माना जा रहा है कि बीजेपी योगी और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या इन दोनों की लोकप्रियता बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? निश्चित रूप से श्रद्धेय मोदी जी, श्रद्धेय योगी जी ने जो देश की जनता और प्रदेश जनता के लिए काम किया है जी, तो निश्चित रूप से हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, और जो उनका ग्लैमर है, जो जनता उनकी दीवानगी है उनके प्रति, तो निश्चित रूप से जनता उनके समर्थन में है जी। और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश में जो 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 5 प्रदेशों में सरकार हमारी बनेगी जी। और जो भी विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि ये लोग सकारात्मक काम नहीं करते हैं, ये खाली आलोचनात्मक काम करते हैं, 5 साल विपक्ष में रहे, इन्होंने जनहित में कोई काम नहीं किया, सिर्फ आलोचना करने काम किया, इसलिए जनता इनको 2019 में मौका एक बार देती लेकिन इनको फिर नकार दी। और जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 2022 भी पूर्ण बहुमत जीतेंगे, उसके बाद 2024 में पुनः केंद्र की सरकार हम बनाएंगे जी। जावेद जी, जिस तरह से मोदी योगी वाला पोस्टर और टैगलाइन सामने आई है, तो उनकी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी या फिर उनके विकास कार्यों को दिखाने का प्रयास कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, विकास काम अगर दिखाने होते तो जब कुशीनगर एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा था तो उस समय जो है जो अखबारों में उत्तर प्रदेश सरकार फोटो विज्ञापन देकर छपवा रही थी वो भी संघाई की एयरपोर्ट की थी। हाँ, पुल आप दिखाएंगे बंगाल के, पुल आप सड़कें दिखाएंगे अमेरिका की। अगर विकास हुआ होता तो आज इतनी तेजी के साथ मुद्दों से अलग हटकर नफरत की बयार बहाने का काम देश के प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को नहीं करने पड़ते। किस तरीके से अमर्यादित भाषा का, किस तरीके से हमारी परंपराओं को का मान मर्दन करते हुए जिन शब्दों का उपयोग किया गया वो नहीं होता। इस प्रदेश के किसानों के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, उनको कितनी महंगी बिजली खरीद कर सिंचाई करनी पड़ी, और किस तरीके से जो लघु सीमांत किसान थे उनको जो सिंचाई के नलकूप के लिए 68,000 रुपए की सब्सिडी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार दे रही थी उसको पहले दिन से योगी जी की सरकार समाप्त नहीं करती। और योगी और मोदी जी में खुद पार्टी के अंदर इनकी बड़ा आंतरिक द्वंद है। जब बनारस में कार्यक्रम होता है तो मोदी जी की होल्डिंग्स में योगी जी गायब हो जाते हैं, और इधर देखिए पिछले 15 दिन में आपने देखा होगा
कि राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी के साथ योगी जी की जो होल्डिंग लगवा रहे हैं उसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी नदारद हैं। तो ये अंतर्द्वंद है और भारतीय जनता पार्टी अपने विफलताओं का पूरा ठीकरा फोड़ने के लिए कभी बात करती है कि हम 150 लोगों का टिकट अपने विधायकों का काट देंगे, ये सारी नाकामी इनके सिर हम बांध देंगे, कभी वो दूसरे रास्ते पे चल जाती है। लेकिन 2017 के लोक कल्याण संकल्प पत्र को ना तो उन्होंने पलटा है ना उस पर वो कोई चर्चा करना चाहती है कि आज कड़वा तेल किस कीमत पर है, आज जो है विद्युत उपभोक्ताओं के साथ जो आपने देश की सबसे महंगी बिजली उपलब्ध कराने का काम किया है ना उस पर चर्चा है, ना देश के आधे कुपोषित लोग उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं ना उस पर कोई चर्चा सरकार करना चाहती है। तो ये नकारात्मक दिशा में इनका हमेशा प्रचार अभियान चलता है। रामनिवास जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 14, 17, 19 काट की हांडी 3 बार आपने चढ़ा ली, जनता को आपने भ्रमित कर लिया है। अब जनता किसी भी भारतीय जनता पार्टी के झूठे नारे, झूठे आंकड़े उसके झांसे में नहीं आने जा रही है। जनता ने आरोप पत्र तैयार किया है, उस आरोप पत्र के जवाब की सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इनकी जब जन विश्वास यात्रा निकली, किसान आंदोलन जब चल रहा था उस समय इनके सांसद और विधायक ग्रामीण इलाकों में नहीं घुस पाए और जन विश्वास यात्रा किस तरीके से विफल हुई उसकी कहीं कोई चर्चा आम जनता के बीच में नहीं रही। इनके 6-6 रथ, हम अखिलेश जी के 1 रथ के पीछे भागते रहे, लेकिन जो भीड़ इकट्ठी हो रही थी अखिलेश जी की सभाओं में, उस तरीके की भीड़ इनके 6 रथ एक दिन में मिलकर नहीं इकट्ठे कर पा रहे थे। ये तो मीडिया ने भी देखा है, जनता ने भी देखा है कि एक तरफ सरकारी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर किस तरीके से चिट्ठियां लिखकर दबाव बनाकर आशा बहुओं को, कर्मचारियों को जबरन सभाओं में लाने का काम किया जा रहा था, सरकारी विभाग से राज्य सड़क परिवहन निगम को पैसे का भुगतान किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगाकर अपना प्रचार किया जा रहा था, ये भी देखा है। जनता इतनी अब समझदार और अक्लमंद है कि जो भी कुछ वो देख रही है 10 मार्च को उसका निर्णय आएगा और उत्तर प्रदेश 10 मार्च को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता विकास का एक 2017 में जो पहिया रुक गया था उसका नया सूर्योदय करने के लिए उतावली है, बेताब है। जनता इन्हीं समय का, इन्हीं तारीखों का इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करे और एक क्रूर, निरकुंस और विकास विरोधी, जन सरोकार विरोधी, जनता विरोधी, जिसने समाज के हर तबके का उत्पीड़न किया, उसको सत्ता से हटाने का वह लोकतांत्रिक तरीके से मार्ग तय करेगी। यह उसकी इच्छा की पूर्ति कल चुनाव आयोग ने तारीखों से नई बात निकल के सामने आई है। जावेद जी ने कहा है कि कुछ विवाद चल रहा पार्टी में जिसकी वजह से कभी किसी पोस्टर से कोई नेता गायब हो जाता, किसी से कोई, तो अब ये जो नया पोस्टर सामने आया है तो इस पोस्टर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे कितना असर पड़ेगा? नहीं देखिए, जावेद जी अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो क्योंकि इनकी पार्टी में कभी चाचा गायब हैं, कभी पिताजी गायब हैं, और इनके तो दो दो चाचा थे, दोनों चाचा गायब हैं जी। तो क्योंकि इनको अपनी पार्टी का इस बात का बड़ा एक्सपीरियंस है। और रही बात जावेद जी की, अभी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन अखिलेश जी के चंगुल में फंसे हैं। हमको याद है कि अखिलेश जी की सरकार थी और जावेद जी साल भर घर से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए नहीं निकले थे, एक माफिया ने इनको धमकी दे दी थी और उसमें जावेद जी साल भर बाहर नहीं निकले और हमारी सरकार है, जावेद जी सीना खोल कर टीवी पे बैठे हैं, कोई डर नहीं है। इनको डर नहीं है, यही योगी जी का डर है। उत्तर प्रदेश के माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या तो ऊपर चले गए, क्योंकि दो ही जगह उनको योगी जी ने दिया है, या तो जेल या ऊपर की बेल। इसीलिए जावेद जी मुस्कुरा के आज टीवी चैनल के सामने खुलेआम बैठे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। पर ये अपनी ही सरकार में जिसके ये नेता हैं और अखिलेश जी की सरकार में ही ये बेचारे घर से बाहर नहीं निकलते थे, इनको उस माफिया का डर था। तो मैं या जावेद जी से कहना चाहूंगा कि योगी जी की सरकार में एक अच्छा माहौल आप मिला है जी। आप भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बन रही है, उसमें सहयोगी बनिए। अखिलेश जी उनकी पार्टी गुंडों की पार्टी है, उनके चक्कर मत पड़िए, क्योंकि ये जब अपने पिताजी के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए,
तो आपके भी नहीं होंगे, लेकिन योगी जी और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आपका भी, हमारा सबका विश्वास और विकास इसी पार्टी में है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि गुंडों की पार्टी को छोड़िए, अखिलेश जी तो अब जिंदगी में कभी नहीं आने वाले हैं। जावेद जी, आज सपा की बैठक होने वाली है और जो अहम बैठक है और सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है। जी रामनिवास जी, मैं आपके पास वापस आती हूँ। जावेद जी, सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है और अभी रामनिवास जी ने भी कहा कि परिवार में बनती नहीं है, कभी कोई पोस्टर से गायब हो जाता है, ये चीज तो सभी ने देखी है, लेकिन जो बैठक हो रही है तो उसमें क्या सीट शेयरिंग की बात ही होगी और भी रणनीतियाँ तैयार होंगी? रामनिवास जी जो कह रहे हैं, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ। देखिए, ये समाजवादी कुनबा है जिसके अंदर लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और परिवार अगर बैठता है एक साथ, तो परिवार जब बैठता है, अगर मान लीजिए परिवार में किसी कारण से अलगाव हुआ और परिवार अगर एक हो रहा है, तो ये तो हमारी भारतीयों की सनातन परंपरा है कि हमें बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए कि परिवार एकजुट रहे। मतलब और इसमें देखिए, जब राजनीतिक लोग बैठेंगे तो राजनीतिक चर्चा भी होगी, और जब परिवार के लोग बैठेंगे तो परिवार की भी चर्चा होगी, इसमें कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी है, वो गुंडों अपराधियों की पार्टी नहीं है। मैं अपने बड़े भाई आदरणीय रामनिवास जी से पूछना चाहता हूँ कि 134 विधायक किस राजनीतिक दल के हैं कि जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? तो एडीआर की रिपोर्ट है। बहुत तमाम बातें न करके एक उदाहरण दे रहा हूं कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनके पुत्र जेल में है किसान और पत्रकार की हत्या में, इनके संबंध में, टेनी महाराज जी के संबंध में 2002 में प्रधानमंत्री के रूप में देश के सर्वमान्य नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा था कि ये गिरोहबंद माफिया है, अपराधी है, इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सरकार की फाइलों में है ना, किसी और जगह नहीं है। तो अपराधी कहां पर है वो पूरा देश जानता है। अपराधी भारतीय जनता पार्टी में ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए हैं, उनके दल के संगठन में पदाधिकारी बने हुए बैठे हैं, तो ये तो सबने देखा है कि किस दल में कितने माफिया हैं। और मुख्यमंत्री जो जी तो स्वयं अपनी जात विशेष के टॉप 10 माफियाओं की टीम के मुखिया भी हैं, ये भी सबने देख लिया कि उनकी बिरादरी का इनामिया जिसको पुलिस उत्तर प्रदेश की तलाश रही है, वो क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुल्तानपुर के हैं पंडित द्विवेदी जी, उन्होंने तो 20 से अधिक एक जात विशेष के माफियाओं की सूची जारी की थी कि योगी जी आप ही बता दीजिए कि इनके घर पर कब जेसीबी चली जाएगी, कब बुलडोजर चलेगा, इन्होंने कहां से इतनी अकूत धन संपदा इकट्ठा की है, इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन हो जाती है? अगर वो शुचिता, पारदर्शिता, सिद्धांत और विचार के आधार पर चलती है तो उसको इस बात का भी ज्ञान लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक और सड़क तक इन लोगों ने पूरी तरीके से हो हल्ला मचाया था, जिसने कहा था कि रम में बसे राम, विस्की में बसी माता जानकी, वो उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, उसके पुत्र को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया। तो ना तो ये धर्म के हैं, ना देश के हैं, ये अधर्मी और विधर्मी लोग हैं जिनका ना जनता से कोई संबंध है, ना जिनका देश से कोई संबंध है, ना इस देश की सनातन परंपराओं से कोई रिश्ता है, ना विकास से रिश्ता है। कहते थे ना प्रधानमंत्री जी कि ये लोग कि अलग अलग राज्यों में चुनावी समीकरण देखने को मिलेंगे। अगर बात करें पंजाब की, तो इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी से जुड़ चुके हैं जो कि पहले कांग्रेस के साथ थे, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा अलग इस बार? और कल बीजेपी की बैठक भी है और उसमें कई दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, तो जो भी नेता राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों का हमारी पार्टी स्वागत करती है, उनको सम्मान देती है। इसलिए मैं जावेद भाई कह रहा था कि आप भी राष्ट्रवादी हैं, आप हमारे दिल में आइए। और रही बात उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की, तो उत्तर प्रदेश में जनता ने सरकार पहले ही बना दिया योगी जी को,
वो तो चुनाव होना है सिर्फ परिणाम आना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता लगातार तीन बार से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, आगे भी 2022 में रहेगी। और जो भी गुंडे माफिए उत्तर प्रदेश में है जी। जो बचे है आने वाले समय में उनका वो हश्र होगा जो पिछले बाकी गुंडों का हुआ जी, है। इसलिए जावेद चिंता मत करिए, आपकी पार्टी में जो भी गुंडे बचे होंगे उनको हम ठीक कर देंगे। आपको कोई खरोच नहीं है क्योंकि आप अच्छे व्यक्ति हैं, और गुंडों को उत्तर प्रदेश में रहने कोई अधिकार नहीं है, और ना ही हमारी पार्टी या हमारी सरकार ऐसे गुंडों माफियों को उत्तर प्रदेश में कदम रखने देगी जी, बिल्कुल। और आपकी पार्टी के जो भी नेता बंधु उनका सहयोग ले रहे हैं जी, हम माफी चाहेंगे, हमारे पास वक्त की कमी है दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जी, बिल्कुल राम निवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता जावेद खान जी जुड़े थे और राम निवास यादव जी बीजेपी से जुड़े थे। तो दोनों से हमने चुनाव पर चर्चा की, क्या समीकरण हो सकता है, और साथ ही जो कुछ भी तैयारियां देखने को मिल रही है, अब इस बार नए तरीके से जनता के बीच पहुंचाएंगे सभी दल अपनी बात, क्योंकि अब डिजिटल माध्यम हो गया है, रैलियों पर रोक लग गई है, क्योंकि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद एक्शन मोड में नगर पालिका भी नजर आई, तुरंत पोस्टर हटाने की प्रक्रिया की गई, और इस बार कोरोना काल भी है तो उसको देखते हुए सख्तियां कुछ ज्यादा ही है, जिसका ध्यान सभी पार्टियों को रखना भी होगा। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।